झारखंड निर्वाचन मंत्रिमंडल 8/81 महोत्सव लेकर आ रहा है, जिसके माध्यम से राज्य के मतदाताओं को जागरूक करने की पहल की है। इसमें मुख्य फोकस पहली बार वोट देने वाले मतदाता हैं। लोकसभा चुनाव में जन जागरूकता अभियान से झारखंड में वोट प्रतिशत बढ़े थे। बता दें कि इस 8 महोत्सव में 81 फीट का कैनवास भी होगा। यदि अब तक किसी मतदाता का नाम छूट गया है तो 8 महोत्सव में नाम दर्ज कराने का एक मौका है। ये कार्यक्रम 18 से 19 अक्टूबर को रांची के जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में आयोजित किया जाएगा। इस मौके पर पोस्टर भी जारी किया गया है। आर्ट का माध्यम से सभी वोटर का एक छुट उठाने के लिए काम कर रहा है। इसमें यहाँ पर आर्टिस्ट आएंगे, केवल झारखंड का नहीं, इंडिया में बाकी स्टेट से भी आ रहे हैं। यहाँ पर बेसिकली इसी प्रोग्राम में 81 आर्ट बनेगी, एक एक असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी का थीम में बनेगी। इसमें आर्टिस्ट ये होंगे, वो नामी आर्टिस्ट होंगे, बाहर से भी आएंगे, झारखंड का भी आर्टिस्ट रहेंगे, वो करेंगे। उसका साथ में उसी फेस्टिवल में एक परिवार का साथ में जाके उसका कराने के लिए, साथ में स्टूडेंट्स का ये आर्ट में कितना भी इन्वॉल्व है वो भी आने के लिए वहाँ पर सुविधा रहेगी। वहाँ पर हम लोग को फुटसाल भी लगाएंगे, फिर वहाँ फैमिली के साथ में भी जाके आर्ट करने के लिए व्यवस्था होगी। वहाँ पर कोई आदमी जाएंगे मतलब वो सीख सकते। 2 दिन का प्रोग्राम यही है। आर्ट का माध्यम से हम लोग इसका सभी वोटर का एक शामिल कराने के लिए काम कर रहे हैं। उसमें अभी आने वाला वो चुनाव है, उसमें एक हम लोग ये भी कम्युनिकेट होगी वहाँ पर, वो कोई भी किसी वोटर छूट गया मतलब उनका रजिस्ट्रेशन करने के लिए भी, अन्य कुछ भी सेवा देने के लिए भी वहाँ पर हम लोग काम कर रहे हैं। ये लास्ट इलेक्शन में भी हम लोग इसका प्रयास किया था, उसी का देखते हुए इस बार बहुत बाहर से भी हम लोग आर्टिस्ट को बुलाया, उनका भी सबका उनका कन्फर्मेशन प्राप्त हो चुका है। हम लोग जयपाल सिंह स्टेडियम में उसका प्रोग्राम करेंगे। ये प्रोग्राम कंप्लीट होने के बाद उसमें 81 आर्ट बनेगी, उसका भी हम लोग मेन शहरी क्षेत्र में हम लोग ले जाएंगे। कारण हम लोग को लास्ट इलेक्शन में भी देखा गया, शहरी क्षेत्र में वोटिंग परसेंटेज में पूर्व से थोड़ा सा बढ़ा, सभी शहरी क्षेत्र में 2%, 3%, 5% तक हम लोग का शहरी क्षेत्र में बढ़ोतरी हुई वोटिंग परसेंटेज में। इसी बार हम लोग उम्मीद कर रहे हैं और भी हम लोग इन्वॉल्व करके हम लोग करा सकते हैं। इसी बार हम लोग वो वोटिंग परसेंटेज बढ़ाने के लिए अन्य कारण भी कर रहे हैं, ताकि उनका एक डेमोक्रेसी का सक्सेस होती है वो कितना वोटर उसमें शामिल होकर अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं, इनका वोटर का क्या कन्विंस है उसका दूर करने के लिए इस बार हम लोग पूरा तरफ से सभी AMF का सुधार कर रहे हैं। साथ में वोटर टर्न अराउंड टाइम मैनेजमेंट करके एक मॉडल बना के एक एक पोलिंग कर्मी का हम लोग ट्रेनिंग करके हम लोग जल्दी से जल्दी वोट करा सकते हैं, उनका क्यों नहीं होना चाहिए वो भी है। साथ में वो घर से निकालने के पहले उसी बूथ में कितना क्यू है वो भी दे सकते, वो भी हम लोग ऐप समय पर लॉन्च कर लेंगे। उसका माध्यम से अर्बन वोटर का ये एक अर्बन आपत्ति करके बोला जाता है, उसका दूर करने का काम कर रहा है। आपका माध्यम से आपसे अनुरोध यही है, आप एक एक वोटर तक इसका पहुंचाइए। साथ में उसी दिन का पहले दिन भी, उसी दिन का आर्ट कब चल रही है उस समय भी आपका सहयोग आवश्यकता। थैंक यू।